हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सोनम और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह। इस टाइम 11 बज रहे हैं, अभी वांस हो रहा है और मैं जा रही हूँ स्कूल शिवन्या के, क्योंकि शिवन्या बिल्कुल भी रेडी नहीं है स्कूल जाने के लिए। और शिवन्या के स्कूल जाएंगे उसको लेकर आप, और पास में ही मंदिर है, मतलब मेरठ का सबसे पुराना मंदिर और सबसे सुंदर मंदिर, तो मैं वहाँ आपको लेकर चलती हूँ आज। चलो चलते हैं, इसके स्कूल चलते हैं और फिर उसके बाद मंदिर चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। बाय। हम लोग जा रहे हैं स्कूल। स्कूल में तो पता नहीं शूट करने देंगे या नहीं देंगे। एक्चुअली मेरा जो है ना हैंड आ गया है, फिंगर आ गया है कैमरे के ऊपर, जो कि धूप में मुझे बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था, तो इस वजह से ये ऐसा मतलब कैमरे से दिख रहा है आपको कि हल्की सी मेरी फिंगर आ गई है। स्कूल का तो शूट नहीं करने देंगे मेरे ख्याल से, तो स्कूल के बाद हम लोग फिर मैं आपको मंदिर का दिखाती हूँ। मंदिर बहुत ही सुंदर है, मंदिर देखो आप मेरठ का। सो गाइज, अब हम मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं। इसको ओघरनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, काली पलटन के नाम से भी जाना जाता है। ये मेरठ कैंट में है और मतलब ये जो जहाँ से हम निकल रहे हैं, एक्चुअली हमने अपनी बाइक यहाँ पर पार्क की है, ये मंदिर वालों की ही पार्किंग है। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। ये मंदिर के मतलब ये जो सामने जो आपको येलो कलर ये दिख रहा है गेट है, ये अंदर, ये मतलब जो ये शेरावाली माता की फ़ोटो लगी हुई है। रात को लाइटिंग जलती है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये है रमन और शिवन्या और युवान, ये तीनों जा रहे हैं मंदिर के अंदर। ये इसके लेफ्ट हैंड साइड आपको सामने भी दिख रहा होगा और राइट हैंड साइड दोनों ही जगह पार्किंग है। आप वहाँ पर अपने मतलब शूज़ वगैरह उतारने की जगह है, जो आप कहीं पर भी उतार सकते हो। अब ये इसका मेन गेट है अंदर, ये हम अंदर जा रहे हैं। इसके जो ये सबसे पहले माता रानी की मूर्ति आती है, मैं आपको माता रानी के दर्शन कराती हूँ, उसके बाद शिव जी के और उसके बाद राधा कृष्ण के। अब ये जो ये इन्होंने बना रखा है, ये बहुत बाद में बना है, मतलब बहुत बाद में क्या, अभी ये कुछ टाइम पहले ही बना है। ये माता रानी की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है, मतलब अगर आप रियल में इसको देखोगे, और कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है रियल में, बहुत सुंदर मूर्ति है माता रानी की। और आप माता रानी के दर्शन करिए। अब मैंने ये जल ले लिया है, जल ये हम शिव जी पर चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। ये सामने वेट कर रहे हैं मेरा, क्योंकि मैं जल लेने गई थी, ये सामने मेरा वेट कर रहे हैं रमन, शिवन्या, युवान। अब मैं ये जल चढ़ाऊंगी, यहाँ पर शिवन्या मेरे साथ है, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी राधा कृष्ण वाले मतलब कंपार्टमेंट। ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं, अलग अलग मतलब मंदिर बना रखे हैं, एक ही मंदिर में अलग अलग मंदिर बना रखे हैं, माता रानी का, शिव जी का और राधा कृष्ण का। ये है शिव परिवार, यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। सब लोग जल चढ़ा रहे हैं यहाँ पर। बहुत कम लोगों को यहाँ के दर्शन करने को मिलते हैं और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। ये है शिव पार्वती, ये है नंदी महाराज, जो कि जैसे कि जल चढ़ रहा है वहाँ पर, तो आप यहाँ से राइट हैंड साइड से बाहर निकलेंगे तो ये नंदी महाराज जी हैं। अब ये सामने जो है ये राधा कृष्ण का अलग मंदिर बना रखा है, अब मैं राधा कृष्ण के दर्शन कराती हूँ, बहुत ही सुंदर है। और ये सारा जो अभी पहुँच कर मैं आपको दिखाती हूँ, इसके बारे में बताती हूँ। शिवन्या आगे आगे जा रही है, यहाँ आके इतना सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे, मतलब बहुत अच्छा लगता है। कोई ना कोई यहाँ पर भजन बोलने के लिए होता ही है। अब ये मंदिर में आरती का टाइम है, कपाट बंद है, पर्दे हैं आगे, और ये जो इसकी दीवार है, गेट है, ये सब मतलब चांदी का बना हुआ है यहाँ पर। अभी मंदिर के कपाट बंद। जय गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नवन बिहारी लाल की बोलो राधा रानी सरकार की जय बोलो श्री गिरिराज जी महाराज की जय। स्कूल में बात हो चुकी है मैम से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। अब हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, स्कूल में बात कर रहे थे। मंदिर से भी जस्ट अभी बाहर निकल रहे हैं, फिर घर पहुँचते हैं, फिर घर पहुँच के दिखाती हूँ क्योंकि शिवन ने आज स्कूल नहीं गई थी।